मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान में। और हिंदू जीवन ज्ञान में हम लोग बात कर रहे हैं दान की। पीछे भी आपको दो वीडियो मिले हैं दान पे, एक तो तुला दान पे, दूसरा नमक और गुड़ का दान जो करना चाहिए इसके ऊपर। आज आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कई सारी चीजें जो दान करनी चाहिए और उन चीजों का क्यों दान करना चाहिए। ये इन चीजों से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दान क्यों करना चाहिए इन चीजों का। नहीं तो दान के पूर्व आप यह जान लें कि आपका मुख जो है वो पूरब की तरफ होगा और दान लेने वाला का मुख जो है वो उत्तर की तरफ होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कौन से वस्तु की दान वस्तु का दान किस प्रयोजन से करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं वस्त्र का दान हम लोग करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के हेतु। शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि वस्त्र का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो अगर आप रूपवान हैं, सौंदर्यवान हैं और आप अपने रूप में और सौंदर्य में और निखार लाना चाहते हैं तो आपको चांदी का दान करना चाहिए। चांदी के दान से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, अगर नेत्रों में कोई कष्ट हो, आंखों में कोई कष्ट हो तो दीपक का दान करना चाहिए। दीपक के दान से आंख के कष्ट जाते रहते हैं। जरूरतमंद लोगों को आप अगर औषधि का दान करते हैं तो इससे आपको सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मित्रों, गौ दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति मिलती है गौ दान से। तिल दान करने से संतान की प्राप्ति होती है, अतः तिल का दान शनिवार को अवश्य करना चाहिए। अगर आप लोहा दान करते हैं तो रोग का नाश होता है। किसी मंदिर में आप लोहे का त्रिशूल दान कर सकते हैं या लोहे की कोई भी सामग्री दान कर सकते हैं, लोहे की कड़ाही दान कर सकते हैं, लोहे का कटोरा दान कर सकते हैं किसी भी मंदिर में। अगर आप दीर्घायु होना चाहते हैं, अपनी आयु लंबी करना चाहते हैं तो किसी योग्य सुपात्र को स्वर्ण का दान कीजिए, इससे आपकी आयु में वृद्धि होगी। तो यदि आप समूचा सुख संपत्ति सौभाग्य समृद्धि इन सब की कामना रखते हैं, इसके अलावा दीर्घायु होने की कामना रखते हैं, घर द्वार की कामना रखते हैं तो आपको भूमि दान करना चाहिए। मित्रों, धन धान की प्राप्ति के लिए आपको देसी घी दान करना चाहिए। अगर आप सुख और समृद्धि चाहते हैं तो कपास का दान करें। और अगर आप संपत्ति बहुत बड़े भूभाग की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बैलों का दान करें। इसके अलावा मित्रों, मैं आपको बताता हूँ अष्ट महादान कौन से होते हैं जिन्हें करने से हमें सुख समृद्धि और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, अष्ट महादान में आता है तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गाय, ये होता है अष्टदान। इसके अलावा मित्रों, दस महादान होते हैं जो पितरों की प्रसन्नता हेतु करते हैं। आप इस पितृ पक्ष में भी उसे कर सकते हैं। इसे मित्रों हम क्या दान करते हैं दस महादान में, गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी और नमक, ये दस महादान है। आशा करता हूँ आपकी इस तृष्णा को, आपकी इस जिज्ञासा को यह वीडियो शांत करेगा। जय श्री राम।